खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा। दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं हम पांच एंकर। कल होगा 2019 लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान। क्या है बिग पिक्चर, दिखाएंगे आपको। 23 मई को सबसे तेज नतीजे दिखाने के लिए तैयार है एबीपी न्यूज, लेकिन 23 मई को लेकर विपक्ष की क्या है तैयारी, आज खबर इस पर भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब एक लगाया है बड़ा आरोप, कहा मेरे सुरक्षा कर्मी ही मेरी जान ले सकते हैं। इस पर सियासत गर्मा गई है, बताएंगे आपको पूरी खबर। उधर जम्मू कश्मीर में आज का दिन आतंकियों के लिए काल लेकर आया, शहीद जवान औरंगजेब को मारने वाला आतंकवादी भी ढेर हो गया, पूरी खबर आगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं दिन की बड़ी खबर बड़ी तस्वीर से। पीएम मोदी आज केदारनाथ धाम पहुंचे, वहां दर्शन किया, ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं केदारनाथ की पवित्र गुफा की तस्वीरें, जहां पीएम मोदी आज साधना कर रहे हैं और यहाँ पर उतरकर प्रधानमंत्री इस कार्ट से पैदल पैदल मंदाकिनी नदी पर जो पुल बना हुआ है उसको क्रॉस करेंगे और यहाँ से तकरीबन 1,500 फीट की ऊंचाई ज्यादा है यहाँ से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुफा में साधना और योग और साधना करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का सफर है, ये सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल तय करेंगे और इसलिए उन्होंने जिसको कहते हैं आइस हॉक्स नाम की, जिसको कहते हैं यहाँ पर निम जो इंस्टीट्यूट है उसकी एक स्टिक हाथ में ले रखी है और जिसके सहारे वे धीरे धीरे चलते हुए उस गुफा तक पहुंचेंगे। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग और साधना के जरिए शिव और शक्ति के साथ अपना मेल करेंगे, वे शिव से शक्ति मांगेंगे ताकि वो आने वाले समय में फिर से प्रधानमंत्री बने और देश की सेवा पूरी निष्ठा और लगन के साथ कर सकें। मिनी पीएमओ भी बनाया गया है, तमाम अधिकारी पहले से वहां पहुंच चुके हैं, उन अधिकारियों के साथ वो जरूरी फाइलें भी पहुंच चुकी हैं जो कि प्रधानमंत्री के लिए अगर जरूरत पड़ती है और वो देखना चाहते हैं इस दौरान योग और साधना के बीच के समय में वो देश को चलाने के लिए बेहद जरूरी फाइलें, उनको भी ऊपर तक पहुंचाया गया है। तमाम जो इक्विपमेंट है वे वहां पहुंचाए गए हैं, वाईफाई की व्यवस्था की गई है, टेलीफोन लाइंस की व्यवस्था की गई है। एक गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना समय बिताएंगे, उसके आसपास तीन टेंट लगाए गए हैं हरे रंग के और एक सतरंगी रंग का टेंट लगाया गया है जिसमें मिनी पीएमओ काम करेगा और पूरी रात यहां रुकेंगे प्रधानमंत्री। तो गुफा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और रिपोर्ट देखी आपने, अब केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी की पूजा देखिए। मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ धाम का यह चौथा दौरा है। इस बार पीएम मोदी गढ़वाली टोपी और भगवा कमरबंद पहनकर बाबा के धाम पहुंचे। मंदिर के अंदर पीएम मोदी ने करीब आधा घंटे तक मंत्रोच्चार के बाद रुद्राभिषेक किया, शिवजी को पंचामृत और बाघंबर अर्पित किया। इसके बाद मुख्य पुजारी ने पीएम को बाघंबर ओढ़ाया। पीएम मोदी के हाथ में छड़ी भी थी, छड़ी के सहारे पीएम मोदी उस जगह पर पहुंचे जहां 2013 की तबाही के बाद पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। पीएम ने यहां काम का जायजा लिया और फिर भीमशिला और शंकराचार्य की समाधि को भी देखा। पीएम मोदी इसके बाद यहां एक गुफा में ध्यान योग के लिए गए। पीएम मोदी के लिए गुफा में ही सोने और स्नान करने की व्यवस्था की गई है, कल वो बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। तो एक तरफ पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे तो बीजेपी दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोमनाथ में मत्था टेका। अमित शाह हेलीकॉप्टर के जरिए सोमनाथ पहुंचे, शाह के साथ उनका परिवार भी मौजूद था। अमित शाह ने यहां भोलेनाथ को जल अर्पण किया, इसके बाद वस्त्र और फूल चढ़ाए। अमित शाह ने इसके बाद सोमनाथ में शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया, दही और शहद से स्नान कराया। कल 2019 लोकसभा चुनाव का आखिरी मतदान है, इससे पहले भगवान से जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचा अमित शाह। एक तरफ पीएम मोदी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए केदारनाथ धाम में हैं, तो दूसरी तरफ देश में 23 मई को नतीजे घोषित होने के पहले सियासी गठजोड़ तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार क्षेत्रीय पार्टियों को लुभाने में लगी है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों को साथ लाने का काम यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चार लोगों को सौंपा है। अहमद पटेल, पी चिदम्बरम, एमपी के सीएम कमलनाथ और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को ये जिम्मेदारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने इन चार नेताओं से कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों से समझौते की बात करें, खास तौर से उन पार्टियों से जो यूपीए और एनडीए का हिस्सा नहीं है। उधर नतीजे आने की बात की संभावनाओं पर दिल्ली में टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू सुबह राहुल गांधी से मिले। इससे पहले शुक्रवार शाम को नायडू ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की।
तो सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस एक तरफ गठबंधन की कोशिशों में लगी है तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियों भी काफी हलचल है। पटना से लेकर भुवनेश्वर तक हर क्षेत्रीय पार्टी गठजोड़ की संभावनाओं की तलाश कर रही है। हर क्षेत्रीय पार्टी मौके का पूरा फायदा उठाने की फिराक में है और लगभग सभी पार्टियां गठबंधन के नियम और शर्तें पहले से ही बताने लगी हैं। बीजेडी ने साफ कहा है कि अभी तक उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी से बराबर दूरी बनाए रखी थी, लेकिन अब जो ओडिशा के लिए काम करेगा वो उसका सपोर्ट करेंगे। उधर पटना में 23 मई को विपक्षी दलों की बैठक हो सकती है। बैठक में नतीजों के बाद बीजेपी सरकार को रोकने की संभावनाओं पर चर्चा होगी। देखिए अभी बात चल रही है, जब आएगा तो हम लोग बता देंगे और आरजेडी उसमें हो ना हो ये हो ही नहीं सकता। चेन्नई में डीएमके नेता सर्वनंद ने कहा कि बीजेपी को तमिलनाडु में ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। 23 मई को सोनिया की बैठक में डीएमके शामिल होगा। तो विपक्षी खेमे में हलचल तेज है। कल 2019 लोकसभा चुनाव का आखिरी मतदान है और इस बार बीजेपी की चुनौती अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की होगी। कल 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होने हैं। 2014 में इन 59 सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व रहा था और 59 में से 33 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने 7 सीटों पर कब्जा किया था। कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट पर ही जीत मिली थी। 2014 में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल की इन सभी सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की थी। चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर भी कमल खिला था। बता दें कि आखिरी चरण में यूपी की 13, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की 13, मध्य प्रदेश की 8, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। अब आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक हर चरण के मतदान में हिंसा हुई। अब यहां 7वें चरण के मतदान से पहले ही बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस बीजेपी कार्यकर्ता के पीठ पर तीर से वार किया गया है। तीर पीठ में अंदर तक घुस चुका है। मामला पश्चिम बंगाल के बीरभूम का है, जहां जय श्री राम का नारा लगाए जाने पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को इस हिंसा में चोट लगी। वहीं एक टीएमसी कार्यकर्ता के खेत को आग के हवाले कर दिया गया। मतदान से पहले हिंसा की घटना दक्षिण 24 परगना में भी हुई। यहां बैकुंठपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई, जिसमें किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ टूटा। पश्चिम बंगाल से आपको यूपी ले चलते हैं, जहां के मऊ में चुनाव प्रचार के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने अपना आपा खो दिया और बीजेपी नेताओं को मन से ही गाली दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं कि गठबंधन है, हम लोगों का महेंद्र नहीं लड़ रहे हैं। जो व्यक्ति अगर इस तरह का बोलते हुए मिल जाकर भाजपा का नेता जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो कि तुम नहीं लड़ रहे हो, गाली निकलती है जवान से, ये बेईमानों को शर्म नहीं लगती है। और अब खबर पंजाब से, जहां पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सिद्धू नेता मंत्रालय छड़े पर गुरु का घर नहीं छड़िया, सिद्धू नेता राज्यसभा छड़ी, हज भी छड़न नु तैयार हूं छड़ू, जे ना दिती गुरु दे दोखे नु सजा, ते ता कहंदा जे सीटा ना आईया, कोई कुछ कहंदा कोई कुछ कहंदा, कोई कहंदा जे सीटा आ गईया, मैं कहंदा सीटा गईया इधर नाले उधर, जे गुरु नु सम्मान ना मिलिया ते सिद्धू छड़ू जाओ जाओ। सिद्धू ने ये बातें बादल के गढ़ भटिंडा में कही। फ्रेंडली मैच खेलने का तंज उन्होंने बादल परिवार और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बोला है। भटिंडा में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग की टक्कर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल से है। इस चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच अदावत तब शुरू हुई जब सिद्धू की पत्नी को अमृतसर से टिकट नहीं मिला। और अब आज की एक और बड़ी खबर, चुनाव आयोग अशोक लवासा ने चुनाव आयोग की मीटिंग में शामिल होने से इनकार का विवाद अब और गहरा होता जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस पर बयान जारी करके सफाई दी है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कहा, मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए दूसरे उपायों पर विचार कर सकता हूं। ऐसा दावा किया था कि पीएम मोदी को विवादित बयानों के मामले में क्लीन चिट दिए जाने पर लवासा के फैसले को रिकॉर्ड नहीं किया गया। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को 6 मामलों में आचार संहिता उल्लंघन का दोषी नहीं माना था। 3 सदस्यीय कमीशन में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और 2 चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुनील चंद्रा शामिल हैं। अब इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बयान जारी कर कहा, चुनाव आयोग में तीनों सदस्य एक दूसरे के क्लोन नहीं हो सकते। ऐसे कई मौके आए हैं जब विचारों में मतभेद रहा है, ऐसा हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन ये बातें चुनाव आयोग के अंदर ही रही। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। चुनाव आयोग मोदी जी और अमित शाह जी की कठपुतली बन गया है। क्या चुनाव आयोग मोदी सरकार का पिट्ठू है या इस देश में
लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करने और निष्पक्ष चुनाव करवाने वाली संस्था। और अब अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में मतदान के आखिरी घंटों में मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिल गया। इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। इस सवाल के जवाब में कि दिल्ली की 7 सीटों पर कौन जीतेगा, केजरीवाल ने कहा, देखिए क्या होता है। दरअसल चुनाव के 48 घंटे पहले तक हमें लग रहा था कि 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिलेगी, लेकिन आखिरी वक्त में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गए। ये सब चुनाव से एक दिन पहले हुआ। जब आप दिल्ली को दुर्दशा के इस कगार पर पहुंचा देंगे तो आपकी हार होनी निश्चित है अरविंद केजरीवाल, और उनको आभास हो गया है। हम अगर एक लाइन में कहें तो आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि सबसे कम समय में एक पार्टी आई और समाप्त हो गई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने भी केजरीवाल पर तंज कसा। अब आप यही कह रहे हैं कि उन्होंने इनको वोट कर दिया, मतलब मुझे उनका मतलब नहीं समझ में आया। अगली खबर भी केजरीवाल से जुड़ी हुई है। अपने ही पीएसओ से जान का खतरा बताने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर अब घमासान मच गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के आरोप पर बयान दिया है। केजरीवाल ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में जान का खतरा बताया था। उन्होंने दावा किया था कि उनकी सुरक्षा में लगे पीएसओ ही उनकी जान ले सकते हैं, क्योंकि उनके पीएसओ बीजेपी को रिपोर्ट करते हैं। केजरीवाल के इस आरोप पर दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया है। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी यूनिट अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार और काबिल है। दिल्ली के सीएम की सुरक्षा में लगी सिक्योरिटी टीम अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीएम केजरीवाल पर अब तक कई बार हमले हो चुके हैं। जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, कम से कम आधा दर्जन बार मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ है, पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ है। जेड सिक्योरिटी की होने के बावजूद आदमी उन तक पहुंच गया और फिजिकली उनको चोट पहुंचा रहा है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल पर जो हमले हुए वो लोगों ने नाराज होकर किए। तो आप कहते थे मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बत्ती नहीं लूंगा, मैं कोठी नहीं लूंगा, आपने सब चीजें ली और लेने के बाद अब आप पुलिस की आलोचना कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये सारे पुलिस वालों का अपमान है। अगली खबर का रुख करते हैं। नाथूराम गोडसे पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान का विवाद थम ही नहीं रहा है। बीजेपी पर लगातार हमला भी हो रहा है। ताजा हमला नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने किया है। मशहूर समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी ने ट्वीट कर प्रज्ञा ठाकुर के नाथूराम गोडसे पर दिए बयान की न सिर्फ आलोचना की बल्कि बीजेपी से उन्हें पार्टी से निकालने की मांग भी की। गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या की थी, परंतु प्रज्ञा जैसे लोग उनकी आत्मा की हत्या के साथ अहिंसा, शांति, सहिष्णुता और भारत की आत्मा की हत्या कर रहे हैं। गांधी हर सत्ता और राजनीति से ऊपर है। भाजपा नेतृत्व छोटे से फायदे का मोह छोड़कर उन्हें तत्काल पार्टी से निकालकर राजधर्म निभाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इस बयान के लिए वो साध्वी प्रज्ञा को कभी मन से माफ नहीं कर सकेंगे। साध्वी प्रज्ञा ने गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 3 एनकाउंटर हुए। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों ने आतंकवाद पर तिहरा हमला किया। पुलवामा के अवंतीपुरा के पंजगाम गांव में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये सभी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी थे। वहीं अनंतनाग में इनकाउंटर के दौरान आतंकी फायरिंग के बीच भागने में कामयाब हो गए। तीसरा इनकाउंटर सोपोर में हुआ। यहां 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेराव किया। पुलवामा में मारे गए 3 आतंकियों में शौकत डार भी है, जो 2018 में सेना के जवान शहीद औरंगजेब की हत्या में शामिल था। बता दें कि सुरक्षा बलों ने पिछले 3 दिनों के अंदर 8 आतंकी ढेर किए हैं। और अगली खबर ओडिशा से है। ओडिशा के झारसुगड़ा में नाबालिग से रेप का बेहद संगीन मामला सामने आया है। रेप का आरोप 4 पुलिसकर्मियों पर भी है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब 15 साल की नाबालिग पीड़िता ने खुद पुलिस थाने जाकर रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने जमशेदपुर के टेलको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए 4 पुलिसकर्मियों समेत कई लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक उसका एक रिश्तेदार उसे काम दिलाने के बहाने ओडिशा के झारसुगड़ा ले गया, जहां उसके साथ लगातार 8 दिन तक कई लोगों ने दुष्कर्म किया। हालांकि झारसुगड़ा के एसपी का कहना है कि फिलहाल पीड़िता ने किसी पुलिस वाले पर सीधा आरोप नहीं लगाया है। उनका जो बयान है और ये जो पब्लिकेशन जो निकला है,
वो पब्लिकेशन है कुछ स्पेसिफिक नहीं है और वहाँ से भी कुछ क्लू अभी तक हम नहीं मिला है कौन सा लग है दाऊद झारसुड़ा पुलिस का आदमी है या रायपुर का, वो चारों तरफ घूमती मतलब जो जो बोलती है वो रायपुर भी गई थी झारसुड़ा गई थी तो कुछ क्लू अभी तक हमारे पास नहीं मिला है। दो दिन पहले ही राहुल गांधी अलवर में एक रेप पीड़िता से मिलने पहुंचे थे और न्याय दिलाने की बात कही थी, लेकिन अब अलवर से ही रेप और हत्या का एक और मामला सामने आया। पूरी घटना अलवर के देवसन गांव की है। पीड़िता और आरोपी एक शादी समारोह में गए थे। पीड़िता देर रात करीब 2 बजे शौच के लिए घर से निकली, तभी आरोपियों ने उसका जबरन गैंग रेप किया। इसकी भनक लगने के बाद पीड़िता के परिजनों ने एक आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी, जबकि उसके 2 साथियों को पुलिस ने गैंग रेप के मामले में हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने हत्या और गैंग रेप के 2 अलग मामले दर्ज किए हैं। इसमें कमेंट रेप वाले मामले में हमने 2 जनों को डिटेन भी कर लिया और मर्डर का और कमेंट रेप का मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं और जो सख्ती से जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। अलवर में ही कुछ दिन पहले एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसके बाद खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीड़िता के परिवार से मिले थे। इस घटना को लेकर जमकर राजनीति भी हुई थी, लेकिन अलवर में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जी हां, पिछले दिनों आपने देखा कि राजस्थान के अलवर गैंगरेप केस में खूब राजनीति हुई। उसी केस में आज पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अलवर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 5 आरोपी पर गैंगरेप और 1 आरोपी पर गैंगरेप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का चार्ज लगाया गया है। छोटेलाल गुर्जर, हंसराज गुर्जर, इंद्रराज गुर्जर, अशोक गुर्जर और महेश गुर्जर के खिलाफ गैंगरेप और SC/ST कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि मुकेश गुर्जर के खिलाफ IT कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। ये घटना 26 अप्रैल को हुई, लेकिन देश के सामने 6 मई को आई। शासन और प्रशासन पर 2019 चुनाव तक इस मामले को दबाने के आरोप भी लगे। खुद पीएम मोदी ने कई चुनावी मंचों से अलवर गैंगरेप मामले को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की सरकार ने चुनाव को देखते हुए उस दलित बेटी के साथ हुए इस राक्षसी अपराध को छिपाने की कोशिश की। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी से, जहां पर हत्यारे बिना किसी खौफ के फायरिंग करते कैमरे में कैद हुए। इस वीडियो में एक बच्ची रास्ते पर बैडमिंटन खेलती नजर आ रही है। वीडियो में दाहिनी ओर एक महिला छोटे बच्चे के साथ घर के बरामदे में बैठी दिखती है, तभी पीले रंग की टी शर्ट पहने एक शख्स वहां से भागता दिखाई पड़ता है। उसके पीछे एक और शख्स वीडियो में नजर आता है, जिसने पीछे से उस पर फायरिंग की। पहला शख्स गोली लगते ही रास्ते पर गिर जाता है। पीछे से 3 और लोग बारी बारी से घायल शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर वहां से फरार हो जाते हैं। घटना 17 मई के शाम 6:57 की है। रोहिणी के सेक्टर 11 में हत्या के प्रयास का यह पूरा मामला कैमरे में कैद हुआ। युवक पर 17 राउंड फायरिंग हुई। घायल युवक का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इस मामले के तार कुछ दिन पहले रोहिणी सेक्टर 11 में बंटू मान की हत्या से जोड़कर देखे जा रहे हैं। ऐसी एक खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां पर हत्या की घटना CCTV में कैद हुई। यहां भी बीच सड़क पर एक शख्स को दौड़ाकर गोली मार दी गई। CCTV के पहले हिस्से में कुछ लोग भागते नजर आए। कुछ सेकंड बाद सादिक नाम के शख्स पर हत्यारों ने पीछे से गोली चला दी। सादिक कुछ दूर भागा और फिर लड़खड़ाकर रास्ते पर गिर पड़ा। इसके बाद हमलावरों ने सादिक के सिर पर किसी चीज से वार किया और वहां से बिना किसी खौफ के आसानी से भाग गए। इस दौरान सड़क पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने सादिक की मदद नहीं की। गाड़ियां आईं और गईं, लेकिन कोई सादिक को अस्पताल ले जाने के लिए नहीं रुका। सादिक पर 3 गोलियां दागी गईं, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला यूपी के सीतापुर का है। हत्या की वजह साफ नहीं है। इस मामले में अब तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और अब एक खबर पुलिस की गुंडागर्दी की। बिहार के हाजीपुर में पुलिस की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई। यहां जरा सी देरी होने पर पुलिस वालों ने टोल कर्मी को बेरहमी से पीटा। NH 22 पर हाजीपुर के सराय टोल प्लाजा में VIP लेन का बैरिकेड खोलने में टोल कर्मचारी को थोड़ी देर क्या हुई, मानो उसने बड़ा गुनाह कर दिया। चंद मिनट की देरी ने पुलिस वालों का पारा इतना गर्म कर दिया कि उन्होंने टोल कर्मी को जबरन खींचकर गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। टोल कर्मी जब बचने के लिए कोशिश करने लगा तो पुलिस वालों ने उसकी वहीं पर बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। टोल कर्मी के कपड़े फाड़ दिए। टोल कर्मी के मुताबिक पुलिस वालों ने उसे एनकाउंटर की धमकी भी दी। पुलिस से घटना की शिकायत की गई, लेकिन इस मामले पर वैशाली के SP का क्या कहना है, जरा ये सुनिए। स्टाफ को बार बार बोला जा रहा है कि आप उसका ट्रॉली उसको खोल दीजिए। इसी के बीच में जो सुनने में आया कि दोनों तरफ से गाड़ी को लॉन्च हुआ और दोनों तरफ से फिर हाथापाई हुई
लेकिन अभी तक कोई भी पक्ष इसने कुछ लिखकर नहीं दिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अमेज़न के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कंपनी पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। अमेज़न के खिलाफ नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज की है। शिकायतकर्ता विकास मिश्रा का कहना है कि अमेज़न ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अमेज़न की वेबसाइट पर हिंदू देवताओं की तस्वीरों वाले टॉयलेट सीट कवर और कालीन बिकने का मामला सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट अमेज़न की मुहिम शुरू हो गई है। इस मामले पर अमेज़न ने कहा कि जिन प्रोडक्ट पर सवाल उठ रहे हैं उन्हें स्टोर से हटाया जा रहा है। 2017 में भी अमेज़न के खिलाफ महात्मा गांधी की तस्वीर वाले फुटवेयर बेचने की शिकायत मिली थी। और मौसम से जुड़ी खबर। हिंदुस्तान में गर्मी का कहर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जमकर बर्फबारी हुई। चारों तरफ बर्फ के अंबार से ढका ये हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति है। भारी तादाद में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यहाँ हालात अभी भी जस के तस हैं। करीब 15 फीट से ज्यादा बर्फ यहाँ है। इस बार रिकॉर्ड से ज्यादा बर्फबारी और एवलांच की घटनाओं ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार BRO बर्फ हटाने के काम में जुटा है। ज्यादा बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति मुख्य शहरों से कटा हुआ है। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द बर्फ हटाने का काम पूरा हो ताकि यहाँ जीवन सुचारू रूप से चल सके।